इम्यूनिटी बनाने के लिए सुबह सुबह क्या चाहिए? सुबह सुबह पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक फ्रूट खा लीजिए, मतलब मे बी अराउंड 7 AM or 8 AM एक फ्रूट, एक हैव ए हेल्पिंग ऑफ फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट हो, सेब है, संतरा है, मौसमी है, वॉट एवर इज अवेलेबल, तो एक सुबह सुबह एक फ्रूट खा लें और उसमें नमक एक्स्ट्रा ऐड ना करें, लेमन ब्रे यूज कर लें और उसके बाद वो अंकुरित खाएं, जो स्प्राउट होता ना अंकुरित, मूंग मेथी इस तरह का अंकुरित ले लें। तो अंकुरित जो है वो आप अच्छी मात्रा में नींबू डाल करके अच्छे से फिर धो लें और उसके बाद उसको खा लें। और उसके बाद जो है अगर एक जो बहुत अच्छी रेसिपी मॉर्निंग में ले सकते हैं लोग और बहुत इजी टू कुक है, वो है गेहूं, बाजरा और मूंग की दाल का दलिया, है ना। ऐसे उसके लिए रेशियो भी मैं आपको बता दूं इम्यूनिटी के हिसाब से, 1 किलो गेहूं, 1 किलो बाजरा और 1 किलो छिलके वाली मूंग की दाल, इन तीनों को बना करके रख लें, एक रेशियो बना करके पिसवा के रख लें और इसका दलिया बना के खाएं। अच्छा। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स, मल्टीपल तरह के सीजनल वेजिटेबल्स डाल दें और हल्का सा नमक यूज़ करके और काली मिर्च डाल करके, हरी मिर्च डाल करके आप इसमें साथ में लवाद में लेमन ले लें और ये अंकुरित के बाद दलिया खा लें। आपका ब्रेकफास्ट, कंप्लीट ब्रेकफास्ट, हाईली न्यूट्रिशियस, प्रोटीन युक्त, क्योंकि आपने गेहूं भी डाला, मूंग की दाल भी डाली और बाजरा भी डाला, तो आपकी और प्लस वेजिटेबल्स काफ़ी सारी ऐड कर दी, तो उससे क्या, और उसके पहले आपने फ्रूट्स ले लिया तो इम्यूनिटी भी अच्छी स्ट्रांग हो गई और आपने ये भी लिया, ऊपर से यू कैन हैव ए कप ऑफ टी या दही के साथ खा सकते हैं। अच्छा। तो सो दैट यू हैव नो, दिस इज कंप्लीट डाइट। आपको चपाती भी नहीं सोचा, बेशक अगर ठीक है चपाती खाने तो अलग बात है, किंतु ये आपको बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, टाइम लेस, अगर आप अकेले भी हैं तो इजीली आप, टाइम बिल्कुल कंज्यूम नहीं होता, 15 मिनट में दलिया तैयार हो जाता है बन करके और स्प्राउट तो अपने आप होता है, तो आपका स्प्राउट और दलिया बस हो गया ब्रेकफास्ट, और एक कप, एक दही, थोड़ी सी कटोरी दही ले लें या दूध ले लें, तो आपका ब्रेकफास्ट हो गया। तो इसके बाद जो है फिर एक बार 11 बजे के आसपास एक फ्रूट खा लें, कोई भी सीजनल फ्रूट, अभी फिर नाश्ता 9 बजे हो गया, 8 से 9 के बीच में 9 बजे एक फ्रूट खा लीजिए, 11 बजे एक फ्रूट खा लीजिए, 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इससे क्या, इसका कॉन्सेप्ट है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनानी है, तो हार्ट डिजीज से बचना है, मोटापे से बचना है, तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा खाओ बार बार खा लो, फ्रूट्स को खाने के साथ मिक्स नहीं करना, खाना खाने के बाद आपको फ्रूट नहीं खाना चाहिए, खाने के पहले फ्रूट खा सकते हैं। जैसे हमारी आंतें हैं 24 फुट लंबी आंत है, जैसे आप कहेंगे ना, अगर हमारे पास बैलगाड़ी हमारे रोड पर चल रही है, ऊपर से बाद उसके बाद में मर्सिडीज पहले भेजनी चाहिए बाद में भेजनी चाहिए, फ्रूट जैसे मर्सिडीज की तरह से है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, आधे घंटे में पच जाएगा, हमने खा लिया पहले पच जाएगा, तो खाने से आधा घंटा पहले खा लिया वो पच गया, और फिर जो है हम उसके बाद ये खाएं, जैसे हमने कहा अंकुरित खाएं, दलिया खाएं, साथ में दही या दूध ले लें एक कप, तो आपका ये ब्रेकफास्ट। अब ये जो है बैलगाड़ी की तरह से 3 घंटा पेट में रहने वाला है, 3 घंटा लगेगा पेट में पचने में, और फिर आगे फिर छोटी आंत में जाएगा, और फल तो थोड़ा सा एकदम फास्ट जाएगा और फास्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, फास्ट एनर्जी देगा, क्विक एनर्जी, और मॉर्निंग में आपको क्विक एनर्जी चाहिए ना, इससे आपको फ्रूट एनर्जी मिलेगी। तो फिर 11 बजे आपने फिर एक फ्रूट हेल्पिंग ले ली, क्योंकि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स में ज़्यादा मात्रा में लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, जीवनी शक्ति होती है, विच मेक्स यू, विच गिव्स यू कैलोरीज एज वेल एज विच गिव्स यू एनर्जी एंड ऑल्सो वाइटलिटी, काम करने की इच्छा, चुस्ती पैदा करते हैं ना ये चीज़ फ्रूट्स। इसमें फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है, आंतों को साफ रखता है। एक चीज और यहाँ कर सकते हैं, नाश्ता करने के पहले सैलड भी ले सकते हैं, खीरा जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ है, ककड़ी, टमाटर अच्छे से धो करके, और उनमें नमक ऐड नहीं करें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सैलड्स में या नमक इस फ्रूट्स में नमक स्प्रे कर लेते हैं, तो हाई इंटेक सॉल्ट की नहीं रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लड प्रेशर कारण, 90% जो ब्लड प्रेशर है वो सॉल्ट डिपेंडेंट होता है, अगर आप ज़्यादा सॉल्ट लेंगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट। इसलिए आप सॉल्ट अपना मॉडरेट रखें, लगभग 5 ग्राम सॉल्ट डेली खाएं। भारत में आम आदमी 15 ग्राम सॉल्ट रोज खाता है, जो कि एक बीमारी का कारण, ब्लड प्रेशर का कारण है। तो अगर हम इसको कर दें तो 11 बजे तक हो गया, फिर लंच टाइम में फिर हम ऐसा करें सलाद, जैसे एक खीरा और एक टमाटर लंच में भी खा लें, और फिर हम चपाती सब्जी हो, या फिर हमारे पास, हमें दाल की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो आटा हमने बनाया है, गेहूं, बाजरा और चना, 2 किलो गेहूं, 2 किलो बाजरा, 2 किलो चना, इस रेशो में अगर आप बनाते हैं तो आप वो दिन में वो चपाती ले सकते हैं, या खाली अगर आपको बाजरा सूट ना करें तो 6 किलो गेहूं, 2 किलो चना, इस रेशो में आटा बनाएं, उसकी चपाती आप रखें, जो भी सीजन सब्जी हो,
वो सब्जी के साथ चपाती खा सकते हैं, तो आपका लंच हो गया। अगर दही अवेलेबल है दही खा लें, और ये आपका हो गया। फिर 4-5 बजे के आसपास फिर एक फ्रूट की हेल्पिंग ले लें, लगभग आधा किलो फ्रूट डेली खाना चाहिए हमको। तो उससे क्या होगा कि आपको जो टेबलेट्स खाते हैं ना, हम जो मल्टीविटामिन खाते हैं 10, 12, 15, 16 रुपए की गोली एक आती है, तो अगर आप डेली लगभग आधा किलो फ्रूट खा लें, एक फ्रूट नाश्ते के पहले, नाश्ते के 2 घंटे बाद, और एक लंच के 2 घंटे बाद फ्रूट खा लें, तो आपको आपकी जो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कभी आपको गैसेस नहीं बनेंगी, कभी आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, आप आते बिल्कुल स्मूथ रहेंगे, और आपको कभी कॉन्स्टिपेशन किस तरह से हो ही नहीं सकता। फिर आपने 4-5 बजे फ्रूट खा लिया, और शाम को 6 से 7 के बीच में सूप ले लें, वेजिटेबल सूप, कोई मिक्स वेजिटेबल सूप ले लें, और एक चपाती एक सब्जी ले लें, 2 चपाती 1 सब्जी, या 2 सब्जी भी ले सकते हैं, इतना ही शाम को होना चाहिए। 9, 9:30 के आसपास एक कप दूध पी लें। तो ये जो प्रोग्राम है ये बेस्ट डाइट है, इसको यूनिवर्सल डाइट भी कह सकते हैं। आपको ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट की बीमारी हो, मोटापा हो, आपको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो, आपको दमा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, दिस इज़ यूनिवर्सल डाइट फॉर एवरी डिजीज़ विच कैन बी प्रैक्टिस बाय एवरीवन। जिस जो मोटे हैं उनका वेट कम हो जाएगा, जो पतले हैं उनका वेट बढ़ जाएगा, और जो नॉर्मल है वो नॉर्मल रहेंगे। ठीक है।